आरपी भारत केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूं अंजलि, आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की किसी खास खबर से। लॉकडाउन में ऑटो चालकों ने सरकार से लगाई मदद की गुहार, कहा दाने दाने की है मोहताज। जुमई जिले में ऑटो चालकों का कहना है कि अब तीन वक्त के बदले एक वक्त ही खाना खाकर पूरा परिवार गुजारा कर रहा है, लेकिन कोई भी अधिकारी उनकी बात सुनना मुनासिब नहीं समझ रहा, जिस कारण दिनों दिन बुरी हालत होती जा रही है। वहीं घर में रखे पैसे भी खत्म हो चुके हैं। लॉकडाउन के कारण ऑटो चालकों की आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई है। पिछले 24 दिनों से ऑटो चालक अपने वाहन को सड़क पर नहीं उतार सके हैं। हालत ऐसी हो चुकी है कि घर में रखे पैसे भी खत्म हो गए हैं। वह अब ऑटो चालकों को घर चलाने की चिंता सताने लगी है। ऐसे में चालकों ने सरकार के सामने मदद की गुहार लगाई है। लॉकडाउन में ऑटो का परिचालन बंद रहने से आमदनी पूरी तरह बंद है, घर में रखा राशन भी अब खत्म हो चुका है। आरपी भारत के रिपोर्टर धीरज कुमार सिंह ने बातचीत में कई ऑटो चालकों ने कहा कि वो सभी लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, यह लोगों के हित में है, लेकिन गरीब निसाय ऑटो चालकों के बारे में सरकार को सोचना होगा। ऑटो का परिचालन बंद होने से भुखमरी की समस्या उत्पन्न हो गई है। ऑटो चालकों ने राज्य और केंद्र सरकार से गुहार लगाई है। उनका कहना है कि वो ऑटो चलाकर पूरे परिवार का भरण पोषण करते हैं, लेकिन अब पूरा परिवार दाने दाने को मोहताज हो गया है। जैसे आप लोग को क्या समस्या आ रही है? बहुत समस्या है। जब से लॉकडाउन हुआ तब से गाड़ी हम लोग खड़ा करके लॉकडाउन में पालन कर रहे हैं, क्योंकि सरकार के बात हम लोग का बढ़िया है, मगर हम लोग को कौन देखने वाला, भूखल मर रहे हैं। क्यों, आप लोग के पास राशन कार्ड नहीं है क्या? कुछ नहीं है, आज तक न मुखिया बनाया है न जिला अधिकारी कुछ देखने के लिए तैयार है, बस सीधा सा बात है, चल रहा है जैसे चल रहा है। और कुछ अनाज भी वितरण हो रहा है गांव-गांव में जगह जगह, तो आप लोग हम लोग को कोई मदद नहीं मिला। कहीं आप लोग कुछ बोले भी नहीं है किसी को? शिकायत शिकायत किसके पास बोले, जिसके पास जाते हैं वो जो हम लोग के जो है जैसे जिला रहा या मुखिया जी है, कोई कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? संतोष कुमार सिंह। घर कहाँ है? मलयपुर। ये जम्मू मलयपुर में कितने ऑटो होंगे? कम से कम होंगे 350। में जब से लॉकडाउन लगा है जमुई जिले में, तब से आप लोग को क्या समस्या हो रही है? समस्या हो रही है, हम लोग गाड़ी मतलब लॉकडाउन को मानते हुए गाड़ी सब जो है खड़ा किए हुए हैं, उसके बाद जो है हम लोगों को मतलब खाने पीने की व्यवस्था में दिक्कत हो रही है, यही हम लोगों की समस्या। अच्छा, इसको लेकर राशन उशन भी वितरण हो रहा है कहीं कहीं, तो आप लोगों को अभी तक कुछ नहीं मिला? नहीं, हम लोग पर राशन कार्ड नहीं है। उसके अच्छा। बाद जो है मतलब लाल कार्ड जो है मतलब था उसको जो है मतलब उसका जो है राशन नहीं दिया जा रहा है। उसके बाद जो है मतलब ये मतलब वोटर आई कार्ड और अथी जो है डीलर मांगे वो भी हम लोग जमा किए हैं, उसके बाद जो है वो कुछ नहीं बोल रहे हैं, हम लोग को ऑर्डर आएगा तब सोचेंगे। कुछ लोग देख रहे हैं ऑटो पर अपना साग सब्जी का दुकान लेकर गांव-गांव जाके बेच रहे हैं, तो क्या उसके लिए आप लोग नहीं हैं? कुछ किया उसके लिए? हम लोग पास जो है व्यवस्था नहीं है। उसके बाद जो है मतलब 20-25 वो मतलब ऑटो जो है ये सब कर रहा है, मान लिया, हम लोग को दिक्कत भी होता है, हम लोग उसमें क्या कर सकते हैं। क्या नाम हुआ आपका? दिलीप कुमार सिंह। घर कहाँ है? मल्लेपुर।